जस्टिस देख रहे तुसी, मैं के पी सिंह टू द पॉइंट विद तुहाडा सब दा स्वागत करता। बेअदबी नाल जुड़िया होया मामला कोटकपुरा गोलीकांड, इस मामले ते नवी एस आई टी का गठन होया सीगा हाई कोर्ट के गाइडलाइनस तो बाद। ते इस नवी एस आई टी ने प्रकाश सिंह बादल साबका मुख्यमंत्री तो पुछगिछ की है। उस पुछगिछ तो बाद श्रोमणी अकाली दल ने वड्डे इल्जाम लगाया। श्रोमणी अकाली दल ने कहा कि जो हुक्म एस डी एम ने दिते सी तां साबका मुख्यमंत्री तो पुछगिछ क्यों हो रही है। अकाली दल ने यह भी कहा कि एक अनअधिकारित अधिकारी है जिहड़ा वह प्रकाश सिंह बादल तो पुछगिछ कर रहा, क्यों सुरजीत सिंह उन्होंने बाहर क्यों कर दिता गया। एल के यादव मुखी ने उन्हों का भी सवाल चुकी गया कि रातों रात प्रमोट किया गया, बहुत सारे सवाल इन्होंने किए हैं। तो नाल ये भी कहा कि नवी एस आई टी का भी सियासीकरण कर रही है कांग्रेस सरकार। असं ये पूछा कि नवी एस आई टी पुराने सवाल सियासत की कि चाल। कुंवर विजय प्रताप सिंह वाली जांच तो बाद अकाली दल लगातार हमलावर हो रहा, तो अकाली दल ने जोड़े बयान दिए एस आई टी की पूछगिछ तो बाद, पहला सुन लिया। बेसिकली की है कि जी पहले नालों पहले भी कांग्रेस ने पॉलिटिक्स खेडी तो हूँ भी पॉलिटिक्स, निशाना कांग्रेस का दोषी फड़ना नहीं, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स करना है। असी चार साढ़े चार साल कहते रहे कुंवर विजय प्रताप तो कैप्टन रल के पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तो कैप इन्हें तो पॉलिटिक इन्हें छड़ के अपने पॉलिटिक्स करनी है, जो असी कहते सही होया। हूँ भी मैं बेनती करना जांच कमेटी को, हूँ भी जोड़ा जांच कमेटी है ये दफ्तर कितने विजिलेंस है, परतिंदर चहल तो अपना जो उपल साहब जो विजिलेंस दे है उन्होंने कमांड थले चल रही है। और इस सिट के अज इन्वेस्टिगेशन करन आए सा प्रकाश सिंह बादल दे केस सामने एक रिटायर्ड जिहड़ा डायरेक्टर प्रोसीक्यूशन के तौर पर विजय सिंगला जिहड़ा है उन्हूं लियांदा गया, जदों कि वह किसी तरह कानूनी तौर पर ना इन्वेस्टिगेशन कर सकता सी, ना इन्वेस्टिगेशन करन दा अधिकार सी, ना ही हाई कोर्ट साहब के दिते फैसले मुताबिक कोई चौथा बंदा इन्वेस्टिगेशन भी शामिल हो सकता सी टीम दे विच। सिट पहली सिट नूं क्वैश कीता गया, जब पहली सीट बनी श्रोमणी अकाली दल ने मेरे ख्याल 10-12 प्रेस पीसीज कीतियां, तो असी पहले दिन तो कहा कि कंवर विजय प्रताप आ जिहड़ा सीट का ओवर एक्टिव मैंबर वह पोलीटिकल एजेंडा ले बैठा है, तो वह साड़ी गल सच होगी ना। पहला तो मानयोग हाईकोर्ट ने मोहर लाती कि उहदी सारी इन्वेस्टिगेशन पोलीटिकल बेस्ड तो बायस्ड है तो मैलिशियस है, तो कल उन्हें आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। सो साडा वो दोष कि ये सारे मसले में भावें वह गोली का होवे भावें गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी का होवे कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी अपनी राजसी रोटियां सेकदी है। कुंवर विजय प्रताप एक अंडरकवर एजेंट के तौर के उत्ते केजरीवाल ते अमरिंदर सिंह का काम कर रहा, अज जदों उन्हें कल आम आदमी पार्टी शामिल होया ते ये गल साबित हुई है कि वह अंडरकवर एजेंट सीगा, और केजरीवाल ने भी और कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने भी जिस तरीके पहला इलैक्शन के टाइम पर रल के श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप को बदनाम करने वास्ते एलीगेशन झूठियां लाइया सी, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के इशू नूं राजनीतिक इशू बनाया सी, अज साबित हो गया कि इन दोनों ने मिल के सारी जिहड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहब का गंभीर मुद्दा सी इन्वेस्टिगेशन का उन्हों डीरेल करके 4.5 साल उदे राही राजनीति की। वड्डा सवाल इस डिबेट के असं ये पूछा कि बेअदबी नाल जुड़े गोटकपुरा गोलीकांड मामले कौन किन्ना कसूरवार है, इस सवाल पर बहस करा कि पैनल साडे नाल मौजूद है तारफ करोना, तो उस तो बाद डिबेट शुरू करते हैं। हरचंद सिंह बाट सीनियर वकील ने, बाट साहब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के लंबे समय तो काम कर रहे हैं, तो तकरीबन 3 दहाकों का इन्हें तजर्बा, तो इन्होंने पता कि कानूनी तौर पर सियासी तौर पर इन मामलों के कि पहलू सामने आते। बाट साहब थोड़ा बहुत स्वागत है। अर्शजीत सिंह कलेर खुद वकील ने, तो श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्सपर्सन है, तो कानूनी नुक्ते भी जानते हैं, तो सियासत जिस तरीके इस मुद्दे पर हो रही है वह भी जानते हैं। अर्शजीत सिंह कलेर थोड़ा बहुत स्वागत है। हरदीप सिंह किंगरा कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन है, तो हरदीप सिंह किंगरा बड़े उच्च अहुदे रहे हैं, तो सरकार जिन्होंने काम किया तो इन्होंने पता सरकार किस तरीके काम कर दी, पर इतने पार्टी दी मजबूरियां हो सकती हैं जिहड़ियां रोक रहियां होणगियां, पर हरदीप सिंह किंगरा पता अंदर खाते की हो रहा, पर हरदीप सिंह किंगरा का ताल्लुक फरीदकोट नाल है, इस करके इन्हों का इतने आना लाजमी है। किंगरा साहब थोड़ा बहुत स्वागत है।
नरेंद्र सिंह टिवाणा, सत श्री अकाल जी। नरेंद्र सिंह टिवाणा आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, खुद वकील है, तो इन्हां दी पार्टी ते इल्जाम लग रहा है कि कुंवर विजय प्रताप सिंह अंडर कवर एजेंट से इन्हां दा, कांग्रेस से भी नाल इल्जाम लग रहे पिया। टिवाणा साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल अर्शजीत सिंह कलेर तुहानूं करना चाहुंदा। अर्शजीत सिंह कलेर, तुसीं इह इल्जाम क्यों ला रहे हो कि एक अनअधिकारित अधिकारी है जिहड़ा वह साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तो पुछगिछ करन आया? देखो केपी जी, सब तो पहली गल यह है कि जिहड़ी पहला जिस तरीके की इस सीट के उत्ते सियासत हुई, हाई कोर्ट की जजमेंट आई, आपां सब नूं पता पुद्ध च ना जाई। उस तों बाद हाई कोर्ट ने गाइडलाइनस देतियां कि एक एडीजी पे लैवल का अधिकारी होगा, दो होर अधिकारी होणगे। अज कमाल की गल यह है कि पहला तो जिहड़ी अज इनवैसटीगेशन है कोटकपुरा की सी कल्ली, ना यह बहबल कलां की है, ना यह कोई बेअदबियां नाल लैणा देणा, यह सिर्फ 307 का मैटर है। कोटकपुरे पट दे विच गोली वजी है, हले तक जिहड़ा एसडीएम है जिहदे ऑन रिकॉर्ड जिहदे हुक्मां दे उत्ते गोली चली आ, उहदा बयान नहीं लिखिया, सीधा मुख्यमंत्री दे घरे सिट पहुंच गई। इत्थों पता लगता है कि सियासत किन्नी भारू है। और दूसरी वड्डी गल है कि सिट दे विच इक एडीजीपी मैंबर है, एक आईजी और एक डीआईजी सुरजीत सिंह है, वह जाते नहीं। एक रिटायर्ड प्रोसीक्यूशन का अधिकारी विजय सिंगला जिहड़ा कि डायरेक्टर प्रोसीक्यूशन के तौर पर रिटायर हुए ने, उन्होंने सिट के लैके जाया जाता अनअधिकारिक तौर पर। और सब तो वह सवाल जवाब उन्होंने किए ने, और हूँ जो होर गल् सामने आनगिया तो अभी थोड़ी देर तक होर दसांगे कि शुरुआत के सिट वाले डीएसपी के तौर पर पेश कर रहे थे। ये एक तरह की इनपरसोनेशन होगी, एक रिटायर्ड डायरेक्टर प्रोसीक्यूशन पहला तो अनअधिकारिक तौर पर सिट के लैके आते हैं, फिर उत्थे आके जी पहली दसिया जाता है कि कौन उन्होंने डीएसपी कह के तारुफ किया जाता, तो पछाणिया गया कि विजय सिंगला है, यह डायरेक्टर प्रोसीक्यूशन रहा और अजकल रिटायर हो चुके हैं। सो किस कपैसिटी के विच सिट उन्होंने लेके आई है, वह की मंतव सी, यह दोबारा उही गल्लां जिस तो हाई कोर्ट ने पहला झाड़ पाई है, उस राह से दोबारा सियासीकरण से उस राह से दोबारा तुर चुकी है सिट। कलेर साहब, तुम इस पूरे मामले को कोर्ट में लैके जा सकते हो, यह विजय सिंगला मामला जो सवाल चुक रहे हो? केपी जी बिल्कुल असी विचार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सीरियस गल है एक बंदे नूं इनपरसोनेट करना, उन्हूं जबकि ना तो और एक रिटायर्ड मुलाजम है वो, फिर इनपरसोनेट करके उन्हूं कुछ होर दसना और लेके जाना, यह बहुत सीरियस विषय, असी डिस्कस करांगे ते अगला कोर्स ऑफ एक्शन जरूर लिया जाऊगा इहदे ते। हरदीप सिंह इंगरा, ये मामला क्यों उठ रहा तुहाडे ते कि विजय सिंगला नाम का एक साबका डायरैक्टर प्रोसीक्यूशन तुसीं उसनूं जांच अधिकारी बना के पेश करता? हरदीप सिंह इंगरा, इसका जवाब हैगा कांग्रेस कोले? मैं कलेर साहब नूं यह दसना चाहना केपी के इंपरसोनेशन वाली गल तां उह डायरैक्टर स्टेट प्रोसीक्यूशन सी। डायरैक्टर स्टेट प्रोसीक्यूशन का एक्रोनिम जिहड़ा उह भी डीएसपी बनता है। डीएसपी का एक्रोनिम कोई यूनीवर्सल नहीं है कि डीएसपी पुलिस का ही हुंदा है। डीएसपी तो कमिश्नर जिहड़े आ बहुत महकमे दे हुंदे आ, इसे तरह डिप्टी कमिश्नर। डीएसपी डायरैक्टर स्टेट प्रोसीक्यूशन इहदा भी डीएसपी बनता है। दूजी गल, एक मिनट कलेर साहब मैनूं बोल लैण दिओ। जे तुसी इनक्वायरी का कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट इनक्वायरी का मैनुअल पढ़ो, मैं बहुत इनक्वायरियां कीतियां कलेर साहब, तुसी मैं वकील, उहदे विच यह है कि कोई भी इनक्वायरिंग अथॉरिटी जिहड़ी है वह वकील नूं एंगेज कर सकती है, कोई भी। मैं जे इनक्वायरी कमिश्नर ऑफ इनक्वायरीज हाँ, मैं वकील नूं एंगेज कर सकता, लेकिन मैनू दसना पएगा प्रोसीक्यूटर नूं या जिहड़ी इनक्वायरी हो रही है जिस बंदे दी, उहनूं दसना पएगा कि मैं एक वकील एंगेज कर रहा। जे मैं वकील एंगेज कर रहा इनक्वायरी अफसर के तौर पर, तो वो को अधिकार हों वकील एंगेज कर, अदरवाइज वो वकील नहीं एंगेज कर सकता। यह तो बादल साहब न एक खुल दी सी भी जे असी वकील लियावे तो वकील एंगेज कर सकते हो, जे असी वकील नहीं लियावे तो तुम वकील एंगेज पढ़ लो। कलेर साहब हसो ना, मैं थोड़ा किताब का रूल साहब तुम जस्टिफाई करते हो इस मामले? हाँ जी बिल्कुल, वकील ले जाया जा सकता, पर यह है भी बादल साहब नूं दस्या उन्होंने असी वकील ले आ रहे हैं। मेन गल ये है, दसना चाहिदा सी ताकि बादल साहब भी आपका वकील लेंगे। मैं वापस आऊंगा, टिवाणा साहब, जिहड़ा अकाली दल ने इल्जाम लगाया कि अनअधिकारित अधिकारी उत्थे लैके गए है, सर इस पूरे मामले ते तुसीं कमेंट क्यों नहीं कर रहे टिवाणा साहब? देखो केपी जी, इनक्वायरी अज शुरू हुई है, उत्थे कौन गए ने जे इहदे बारे डिस्कोर नहीं हो सका पूरी तरह। कलेर साहब नूं पता होगा कि इहनां दे पार्टी दे जिहड़ा सतीम उहनां नूं पुछ कीती गई है। मैनूं इन्नी नॉलेज नहीं कि उस कमेटी कौन कौन बंदे उत्थे नहीं, तुहानूं इह पता सर कि नारको टेस्ट करवा लो, नारको टेस्ट वाले बयान सर सर एक मिनट च आ जांदे। इस पूरे मामले ते क्यों नहीं बोलदे पए सर तुसीं? उह कहिंदे आ कांग्रेस, एक मिनट सर टिवाणा साहब, उह कह रहे आ कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी इकट्ठे खेडदे पए आ।
मैं केपी जी मैं ता ए फ्रेंडली मैं ता अकाली दल ते कांग्रेस दा इस इनक्वायरी जो कुछ भी निकलना ये ता एक दोनों बचावन लगे हुए ने और बचा भी रहे ने। देखो जिवें कलेर साहब ने आप ही दस्सिया भी ते 300 साहब दे केस दी इनक्वायरी जिहड़े असली मुद्दे ने ता पिछे तक ते सारी असली मुद्दिआं बारे ता पुछगिछ हो ही नहीं बिल्कुल ना। बरगाड़ी की होया, बहवल कलाकांड की होया, किस तरह वापरी, किस तरह उत्थे दो नौजवानों की मौत हुई है, ये कौन जिम्मेवार है ते किन्होंने गल ये कहते भी एसडीएम ने दे हुकम ते गोली चली है। केपी जी मैं तुहानूं एक गल पुछदा, कोई भी सरकार दे हुकम तो बिना किसी अफसर की जरूरत है भी गोली चला दूगा? सबका मुख्यमंत्री से पूछगिछ होनी चाहिए कि होनी चाहिए? वकील हो सर, सवाल कर रहे टवाणा साहब। मैं बिल्कुल कहना एसडीएम दे बयान पहला लिखने चाहिए सी। पर ए सारा कुछ कवर अप हो रहा है, कुछ नहीं है गा दे विच। नहीं टवाणा साहब सीधी गल करिए सर, एसडीएम दे बयान रिकॉर्ड होने तो बाद कड़ी जोड़नी चाहिए सी। एसडीएम तो बाद एसडीएम नूं किन्ने हुक्म दिते, उस तो बाद चीफ मिनिस्टर कोले जाना चाहिए सी, इदां होना चाहिए? इदां पुछ के चुंदी है? बिल्कुल होना। ते फिर सर तुसीं इहदे कोई कमेंट क्यों नहीं करदे पे सर, क्यों नहीं बोलदे पे सर तुसीं? नहीं एसडीएम नहीं, इह तां अज देखो इनक्वायरी तां अज हुण हो कुछ घंटे पहला हो के हटी है। हां बरगाड़ी कांड बीएसपी कांड उसकी गल कि हो रही है? सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, कुछ पार्टियां इस सवाल चक दिया पर फिर भुल जांदियां ने, पर जो कोटपुरा गोली कांड की जांच की गल आती है उदो कुंवर विजय प्रताप सिंह आपकी पार्टी शामिल करके हूँ अज यह बयान दिता जा रहा है कि बेअदबी की गल नहीं की जा रही, बहबल कला गोलीकांड की गल नहीं की जा रही। सवाल बहुत सारे वापस आ रहे हैं, सवाल एक पूछ रहे हैं, बेअदबी ना जुड़े कोटपुरा गोलीकांड मामले कौन किना कसूरवार? बाट साहब सर ये पोलिटिकल मैं जवाब तुहाड़े तो बाद च लूँगा सर, पहला लीगली मैंने जवाब चाहिए थोड़ा। जिहड़ा साबका डायरैक्टर प्रोसीक्यूशन का इल्जाम लगाया श्रोमणी अकाली दल ने, वह कह रहे हैं कि अनधिकारित अधिकारी उत्थे पेश किया गया तो प्रकाश सिंह बादल तो सब तो ज़्यादा सवाल वो बंदा कर रहा है, लीगली ये पॉसीबल है? केपी सिंह जी मैं तो ज़्यादा जी है ना अपनी वोट जरा वा वो कानूनी पहलू तो ही रखागा अपनी गल करने वाली जी। सियासत मेरे दोस्त जे सारे वक्री वक्री, चलो मैं नहीं पूछूंगा सियासी सवाल, नहीं पूछूंगा सर, रिप्रजेंट कर रहे हैं। हाँ ये संबंध शुरू वाली गल तो जी है वो मैं करता कलेर साहब ने जी की है अगवाई करनी है, पर अपनी अगवाई करने दे विच वो जिहड़े अपना जिहड़ा सपोर्टिंग स्टाफ ने कोई एएसआई है, कोई डीएसपी है, कोई होर इस तरह का वा वो नाल अपना स्टाफ लिजा सकते हैं, इहदे उत्ते कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी गल जे मैं कहनी चाहुंदा वा उहदे नाल मैं कलेर साहब दी नाल गल दे नाल मैं सहमत हुंदा होया कि एक जिहड़ा रिटायर्ड डीएसपी है, कोई भी पुलिस ऑफिसर है, किंगड़ा जी ने उहनूं जस्टिफाई करन दी कोशिश कीती है कि जिहड़ी जांच कमीशन हुंदा इनक्वायरी कमीशन हुंदा उहदे विच तुसीं बुला सकदे हो। किंगड़ा साहब जी इह जांच कमीशन नहीं है, इह जिहड़ी है क्रिमिनल इनवैसटीगेशन है। क्रिमिनल इनवैसटीगेशन इज डिफरेंट, तुहाडा तजर्बा विद ऑल ड्यू रिस्पैक्ट मैं उस नूं नहीं करना चाहुंदा, पर जिहड़ी कमिश्नर ऑफ इनक्वायरी एक्ट है जां इनक्वायरी है उहदा ते क्रिमिनल जिहड़ी इनवैसटीगेशन है किसी क्रिमिनल केस की, इन्हां दोनों चीज़ों का फर्क है। इस करके जदों तुसीं इनवैसटीगेशन कर रहे हो, केस की इनवैसटीगेशन कर रहे हो, सिट जिहड़ी आ कॉन्स्टिट्यूट हुई है हाई कोर्ट के ऑर्डर के नाल हुई है, उहदे विच एक जिहड़ा रिटायर्ड बंदा है जे वह सर्विस के विच है मैटर इज डिफरेंट, ही कैन बी ए सपोर्टिंग स्टाफ, वो जा सकता, जो वह रिटायर हो चुका तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी पुलिस दे विच किसी तरह की इनवैसटीगेशन दे विच कुछ गिछ करन दे विच किसी भी दोषी नूं किसी भी गवाह नूं उसका कोई रोल जिहड़ा है वह नहीं बनता है। हाँ जिहड़ी ये सिट है ये पुछ गिछ तो बाद जे उन्हां नूं जरूरत पैंदी है इस गल की कि उन्होंने जिहड़ी है किसी तरह की फोरेंसिक इनक्वायरी दे विच किसी जिहड़े आ जांच करनी है सिग्नेचर या हैंडराइटिंग की जांच करनी है कुछ इस तरह की होर उन्होंने लोड़ पैंदी है तो उहदे विच हायर कर सकते हैं, उहदी एक्सपर्ट
मेरा सवाल है बाट साहब कि अकाली दल इस नूं लीगली चैलेंज कर सकता है इस पूरे मुद्दे नूं? देखो ये जड़ा ना पहला भी जड़ा वा इस तरह दी इलीगैलिटीज हुई ने मैं उहदे विच नहीं जाना चाहुंदा जदों आएगा इशू उहदे विच असीं गल करांगे जदों पहली जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही वड्डे ईमानदार जिहड़ा हाई इंटैग्रिटी वाले बंदे ने जिहड़ी कीती है उहदे विच भी इस तरह दीआं चीज़ां जिहड़ीआं वा जाणबुझ के जाण जाणे छड्डीआं गईआं हुण इह जिहड़ी इक चीज़ है इह जिहड़ी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है जदों क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है वह अगेंस्ट रूल्स है इलीगल है तो वह शुरू तो विशिएट होंगी है विशिएट का सिंह जी कानूनी कर्म तो लाए कि वह बिल्कुल ही कानूनी है वो सस्टेन नहीं कर सकती है लंबे आने वाले समय के इस करके ये एक जो आधार है अकाली दल पूरे कलेर साहब की पार्टी के कोल एक आधार है कि वह जा सकते हैं कि आउट ऑफ द वे देखो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी बड़ी असं कहने भावें दोषी है तो भावें कंप्लेनेंट है फ्री फेयर इंपार्शियल ते इंडिपेंडेंट होनी चाहिए है ठीक ठीक ओदे विच इस तरीके नाल बना के लेके गए थे उस नु ए बिल्कुल जेड़ा वा गलत तरीके नाल लेके गए ठीक 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 है बाट साहब मैं वैसे तुहाडे तो मैं ठीक ठीक है बाट साहब मैं तुहाडे को पॉलिटिकल सवाल नहीं लैने गए पर पॉलिटिकल सवाल इस तरीके नाल जुड़दा पिया कि ये तुसी जिहड़ा पहला सवाल तुसी आप ही चुकता कुंवर विजय प्रताप वाली एस आई टी ते मैं उस सवालों ते हजे ना जाता होया मैं सवाल तुहानू कर रहा है कि होने वाली जांच विच भी लूपहोल जानबूझ के तो नहीं छड्डे जा रहे सर बाट साहब देखो जी मैं बारे कोई अंतरजामी नहीं है मैं कुछ कह नहीं सकता है पर मैं एक गल जरूर कहना होना कि यह जड़े है ना बहुत ही हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसनल ऑफिसर है प्रोफेसनल ऑफिसर जड़े होंगे उन्होंने एक लंबा तजर्बा वा ए डी जी पी की पोस्ट कोई छोटी पोस्ट नहीं है ए जड़ा वा के पी सिंह जी माइनर इरर हो सकती है माइनर मिसटेक हो सकती है माइनर डिस्क्रिपेंसी हो सकती है पर ब्लेंडर दी कोई गुंजाइश नहीं है तो ब्लेंडर लगता है तो ब्लेंडर लगता है बाट साहब तो ब्लेंडर लगता है सर हाँ जी तो ब्लेंडर लगता है हाँ मैं कह रहा कि ये ब्लेंडर किया गया ठीक ठीक है सर ब्लेंडर दैट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए चलो ठीक सर लाइक द रैंक ऑफ एडीजी ठीक मैं वापस आऊंगा सर वापस आऊं क्लियर साहब तुम्हारे एक लीडर ने कहा है कि 307 का केस है तुम भी क्या 307 का केस है तुहाड़े लीडर ने यह भी किया कि 307 का केस जो चंगा एस एच ओ हो 7 दिन हल हो सकता है कलेर साहब तुम आपके लीडर के इस बयान इतफाक रखते हो के पी जी बिल्कुल ये तो उन्होंने जिस वाल किया कि अगर 7 दिन के मैटर इनवैसटीगेट ना हो वैसे भी रूटीन प्रोसैस है कि पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करने तक की नौबत आ जाती है मैं पता किस कॉन्टेक्स्ट पुछ रहे हो तुम हम अगर कहना चाहोगे कि 1.5 साल थोड़ी सरकार रही है ये क्यों नहीं होया मैं फिर दोबारा कह दिना के पी जी मैं उत्थे ही आ जाना थोड़ी गल दे उत्ते के श्रोमणी अकाली दल दे टाइम तां सारे मुलजम बाई नेम सी पुलिस अफसर सारे बाई नेम सी एफ आई आर दे विच तो गल जो अज दी सिट दी है पहला भी इस गल दे उत्ते हाई कोर्ट दे विच रौला पिया कि पोलिटिसाइजेशन हो रही है और जिहड़ी गल अज किंगरा साहब ने कही है मैं हैरान हाँ कि किंगरा साहब दे स्टेचर दा बंदा उन्होंने अपनी एक टर्म याद कर ली डायरेक्टर स्टेट प्रोसीक्यूशन ऐसी कोई टर्म ही नहीं हैगी इहनू सिद्धा कहा जांदा डायरेक्टर प्रोसीक्यूशन पंजाब सो डीएसपी किते भी कदे रेफर नहीं किया जाता किंगरा साहब वड्डे ने करैक्ट कर सकते हैं और दूसरी गल है ये विजेंद्र सिंगला तो डायरेक्टर प्रोसीक्यूशन भी नहीं हैगा ये तो उदों भी रिटायर हो चुके हैं सो किते ना किते किस तरीके की जिहड़ी दुबारा राजनीति खेडण की कोशिश की जा रही है और जबकि हाई कोर्ट के हुक्मां ने कहा कि हुण सिट कट्ठे काम करूगी और अज सुरजीत सिंह आंदे नहीं ओदी जगह ते इहनू लिया जांदा है इंडिविजुअल केस भी पाऊगा सब तो पहला इस बंदे एफ आई आर दर्ज होनी चाहिए अगर इन्हें इंपर्सोनेट किया क्योंकि जो पुलिस ही ऐसा कुछ कर दी है और असि अज स्टेटमेंट जारी की है कि पहले तो पुलिस ही एक्शन ले ले असि देखांगे जे थोड़ी एक दो दिन वेट करांगे पुलिस ने कोई ना एक्शन लिया तो असि अपना लीगल रफड़ पिया होया उस रफड़ नूं खत्म करन दे लई इह मुद्दा बहुत वड्डा हैगा
इस मुद्दे दे वड्डे होण करके इस मुद्दे नूं जल्दी किते तन पत्तन लाउण दी वजह करके कांग्रेस ब्लंडर करदी पई है, किते ऐ तां नहीं हो रिहा किंगरा साहब अग्गा दौड़ ते पिछा छोड़? केपी जिथों तक मेरा ज्ञान है, पर मैं काफ़ी इहदे च मेरी नॉलेज हैगी आ, कोई भी जिहड़ी कमेटी जां कमिशन बणदा है, इन्हां ने एक जोरा सिंह कमिशन बनाया सी अकाली दल ने, उहदी टर्म ऑफ रैफरेंस दे विच एक टर्म ऑफ रैफरेंस हुंदी है कि एक कमेटी या कमिशन अपना की प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी वह इनक्वायरी शुरू करने तो पहला तय करेगी। द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड कैन नॉट बी इंटरफेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, यह होंगे टर्म ऑफ रैफरेंस, पाया तो भी गलत, जे किसी ने नहीं पाया तो गलत है वह भी टर्म ऑफ रैफरेंस। सो दूजी गल जी इस तरह की जो कमेटियां होंदिया है उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए सरकार कि जिन्या प्रोसीडिंग है वह वीडियो रिकॉर्डड होनिया चाहिए, वह ऑडियो नहीं होने चाहिए कटिया, उसका वीडियो बनना चाहिए ताकि विश्लेषण हो सके कि किवें है। तीजी गल देखो अकाली दल जिवें कहते हैं अज हो सकता है, मैं क्योंकि मेरे को फैक्ट्स नहीं है, पर मैं थोड़ा एक दसदा जोरा सिंह कमिशन इन्होंने बनाया से इन्हों की सरकार के आंदा ही उन्हें रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट ही लै लेंगे भले मानसो तुम वो दफ्तर च, और रिपोर्ट एक चपड़ासी फड़ा के आ गए जस्टिस जोरा सिंह, जवाब नहीं है अकाली दल को, जवाब नहीं है उस गल का, जवाब नहीं है सवाल करते पे सर, अज पंजाब के लोग सर सवाल करते पे किंगरा साहब। मैं उस दिन उत्थे सी, इन्होंने एफ आई आर लॉन्च की थी, अणपछाते पुलिस वाले ने गोलियां चलाईयां, यार वो पुलिस की तो गोली भी अणपछाती सर, तुसी तुसी हुण तक की कर लिया सर किंगरा साहब, सवाल तो यह है ना तुहाडे ते, उन्होंने तो नहीं कुछ किया सर, वो तो अज भी बयान देंदे आ 307 दा केस आ, 7 दिनां विच हल हो जाणा चाहीदा सीगा। मैं दसदा नहीं, मैं दसदा दूजे कहिंदे प्रमोशन कर दे, देखो दूजी कहिंदे प्रमोशन कर दित्ती, मैं सारे मैंबरां दे इक सवाल दसदा, जदों अडिशनल डीजी की प्रमोशन होंदी है उहदी जिहड़ी प्रमोशन कमेटी है उहदे च एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होंदा यूपीएससी का, चैक कर ले कोई बंदा भी, एक डीओपीटी का मैंबर होंदा, एक डीजी होंदा, एक चीफ सैकटरी होंदा, ठीक है यह मैंबर होंदे है, यह नहीं हो सकता अंदर खाते बैक डेट करती, ठीक है सर, ठीक है मैं छोड़ा ब्रेक मार, ठीक ठीक है सर, नहीं होंदे, ठीक ठीक है मिस्टर एलते चेक कर लो, इन्ना चार बंदे दे दस्त दोंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे बंदे दे भी दस्त दोंगे, मिस्टर एलते यार ठीक है, प्रमोशन करती जो मर्जी बोली, ठीक है सर, ठीक है मैं सर ब्रेक ले लवां, मिस्टर एलके यादव बारे तुसी सफाई दे रहे हो, एक होर छोड़ा ब्रेक लवांगे, ब्रेक तो वापस समा के इस पूरे मामले दे विच नारको टेस्ट दी मांग उठती पई है, कितना कहिंदा नारको टेस्ट होना चाहिए, सवाल यही है, आम आदमी पार्टी किसी होर दे नारको टेस्ट दी गल करदी है, अकाली दल किसी होर दे नारको टेस्ट दी गल करदी है, कांग्रेस कहिंदे नारको टेस्ट दी गल करेगी, सवाल यही है, वापस आ रहे हैं। बेअदबी नाल जुड़े कोटकपुरा गोलीकांड मामले च कौन किन्ना कसूर है? टवाणा साहब, तुहाडी पार्टी ने डिमांड की है कि मुख्यमंत्री साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का नारको टेस्ट होना चाहिए, टवाणा साहब क्यों होना चाहिए? केपी जी यह जरा केस केस है ना बेअदबी का कांड का जां गोली कांड का, यह दोनों सरकार ने एक तमाशा बना के रखता, दोनों सरकार ने पहला अकाली दल की सरकार ने तो फिर कांग्रेस की सरकार ने, देखो कल किसी अकाली लीडर ने यह गल कही सी कमर विजय प्रताप आम आदमी पार्टी शामिल हुए ने, उन्होंने गल आखी सी भी कमर विजय प्रताप पहले साजिश के तहत आम आदमी पार्टी रल के सारी ने जी है रिपोर्ट दी है, मैं बैठे में जी बैठे ने मैं गल पूछनी चाहूंगा इन्हों 1984 का दौर देखो, उस टाइम दो पुलिस अफसर बड़े मशहूर होंगे सी, टवाणा साहब टवाणा साहब तुम कह रहे हो साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का नारको टेस्ट होना चाहिए, अकाली दल कह रहे हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह का नारको टेस्ट होना चाहिए, सर इन दोनों में मैं डिफरेंस समझा दो सर, कहता होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए जिंदा नहीं होना चाहिए? टवाणा साहब हर वह बंदा जिहड़ा इस गो जिस पर शक है इस गोली कांड का बेअदबी कांड का नारको टेस्ट होने चाहिए ने, आम आदमी पार्टी यह कहती है कि कुंवर विजय प्रताप सिंह का नारको टेस्ट होना चाहिए, करा लो सानू कोई इतराज नहीं, पर उहदे नाल सर सुखबीर सिंह बादल दा समेत सैनी दा प्रकाश सिंह बादल दा जिहड़े उस टाइम दे मौजूदा एसएसपी सारा दा होना चाहिए, देखो सख्त दा सामने लाउणी पेनल्टी। टवाणा साहब इंच अड़चन की है फिर सर, टवाणा साहब अड़चन की है, जिहड़ा जिहड़ा नारको टेस्ट हुंदा उहने हामी भरनी है
ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਖਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਪੂਰਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਸਰ ਬੋਲੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੁਛ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਰਸ ਰਹਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਅਰਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਕਲੇਅਰ ਜੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਪੀ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਿਊ ਕੋਰਸ ਆਫ ਲਾਅ ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਸੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣੀ ਕਲੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਲੀਗਲੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਲੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਲੀਗਲੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਰ ਕਲੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਲੀਗਲੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਓਪਨ ਹੈ ਚਲੋ ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਔਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਲੋ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨ ਬਿਨ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੇਅਰ ਸਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੇਅਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਸਰ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਆਊਟ ਵਿਦ ਅ ਟਰੁੱਥ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ 2-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਸ ਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ ਵਿਦ ਅ ਟਰੁੱਥ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਠੀਕ 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 ਹੈ ਸਰ ਸਾਈਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਈਡ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿੱਥੇ 4-5 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਚਲੋ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਨਾ ਦੇਈ ਜਾਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 74 ਬੈਚ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਛੱਡ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੌਣ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸਰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਰ ਕੌਣ ਆਵੇ ਕੌਣ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖੁਦ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਸਹਿਮਤ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਰਕੋ ਤੇ ਛੱਡੋ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਵਾਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰੋਇੰਗ ਆ ਫੈਕਟ ਅਮਾਉਂਟਸ ਟੂ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ
सर किंगरा साहब जे कुंवर विजय प्रताप सिंह के जो इल्जाम है उनके मुताबिक कि एजी से भी यहोजा केस कांग्रेस दर्ज करवाना चाहती है एजी ते कोई केस नहीं दर्ज हुंदा हुंदा क्योंकि एजी रिप्रेजेंट समबडी ऑन डायरेक्शन एजी नु पहला ब्रीफिंग हुंदी है एजी ओ बोलदा है जो ओदा मर ओदा ओदा उनु हायर करन वाला कहंदा है इस करके एजी ते कोई किसे किस्म दा किसे वकील ते कोई केस नहीं दर्ज हो सकदा एजी नु ओदे इंस्ट्रक्शन ते बोलदा है ठीक है एजी नु ओदे तो हटाया जा सकदा है नहीं एजी दा ओदा हुंदा है टू द प्रेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर जिन्ना चिर चीफ मिनिस्टर प्रेजरेबल है चाहे खुश है उसकी गल दे उत्तों चाहे किड्डा माड़ा एजी है वो नहीं हट सकता चलो जो तो सरकार चली जाती है चीफ मिनिस्टर चल जाता है एजी नाल दी रिजाइन कर देता है चलो ठीक है बाट साहब हुण तुसी बड़े उतावले हो रहे सीगे कुंवर विजय प्रताप सिंह वाले सवाल ते सर मैं दोनों जवाब इकट्ठे लैना चाहुंदा तुहाडे तों इह नारको टैस्ट दे जिहड़े बयान है सियासी है सिर्फ बाट साहब बिल्कुल के पी सिंह जी एहो जिहा केस ही नहीं है कि जिहदे विच नारको दी कोई जिहड़ी है जरूरत होवे ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਕੋ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਵਨ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਮਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਦੇਅਰ ਓਨ ਲੈਗਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿਆ ਵਾ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਦੂਜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਤੀਜਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ੀਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਮੈਥਡ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੀਏਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਨੇੜੇ ਆ 2022 ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਰ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ बयान जिहड़ी तुहाडी इन्वेस्टिगेशन सी जदों तक तुहाडी सरकार रही है तुसीं रिकॉर्ड कीता ਕੇਪੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸੋਹਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ 21-10-2015 ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 10-22 ਨੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੇਪੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰਨੀ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੈ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਸਭ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਐਸਡੀਐਮ ਅਗਰ ਕਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਸੀ ਫੇਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਧੁਰਾ ਐਸਡੀਐਮ ਹੈ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਬਿਨਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਆ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
एस आई टी ने प्रकाश सिंह बाल तो पूछा की है जो किन्ने सवालों की सूची है ये तुम दस सकते हो कुछ कोई डिस्कलोज कर सकते हो या लीगली तुम दस सकते हो केपी जी मैं ओदे बारे कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि ए इन्वेस्टिगेशन नू मीडिया दे विच रखण ते हाई कोर्ट दे ऑर्डर दे विच ही रोक है सो की सवाल जवाब कीते के मैं इस चैनल दे उते नहीं दस सकदा नंबर 1 ठीक नंबर 2 केपी जी जेडी मीडिया ट्रायल दी मैं गल कही सी ओ ए गल करके कही सी के सरकार जान बुझ के नू मीडिया हाइप दे रही है सिर्फ अपनी वोटां लिए मैं मीडिया नू जिम्मेवार नहीं कह रहा मैं सरकार नू कहना कि जान बुझ के खबरां इस तरीके दे नाल मीडिया कवरेज दित्ती जांदी है कि बहुत वड्डी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जबकि सरकार बेसिक नॉर्म्स भी फॉलो नहीं कर रही सिर्फ अपना पॉलिटिकल फायदा चक रही है। चलो ठीक है टवाणा साहब तुहानूं इउं लगदा कि सरकार सिर्फ पॉलिटिकल फायदा चकदी पई है मीडिया दे विच इस मुद्दे नूं हाइप दित्ती जा रही है अखीर विच निकलना कुछ नहीं गा केपी जी मैं तां पहले कह के हटिया विचों निकलना कुछ नहीं हैगा देखो तुसीं मैनूं फिर कहोगे वी मैं डीरेल करदा डिबेट नूं सरसा डेरे वाले ने जिहड़े गुरु साहब की पोशाक पाके स्वांग रचिया सी ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਫੜਾਏ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਅਸਾਂ ਡੇਢ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਂਕੇ ਗਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ चाहे गुरु ग्रंथ साहब की चोरी का मामला है बेअदबी का मामला है ये सारे 2007 से 2015 तक सारी कड़ी नू जोड़ के देखना चाह रहे हो बिलकुल 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 बंदे बाबे दियां उत्थे पिक्चरां दिखाउण लई किहड़े बंदे बसां च भर के लै गए लोकां नू अकाली लीडर सी ना होर कौन सी उह देखो 2007 दी इक चिट्ठी लिखी भी जिहदे पर साइन किसे दे नहीं हैगे ते 2015 जाके असीं नू माफी दिंदे चलो ठीक इत्थे बड़ी वड्डी सास है इक सैक्टर दियां वोटां लैण लई सारी कारवाई कीती गई है ठीक ओही इहदा सारा जिहड़ा घटनाक्रम है उत्थे जाके खड़दा मुड़ चलो किंगरा साहब ठीक है सर किंगरा साहब जो आम आदमी पार्टी इल्जाम लगा रही है 2007 तो लैके 2015 तक का सारा मामला लगता पाया उन्होंने की कांग्रेस नूं भी यह लगता देखो जी इल्जाम वाली गल ही नहीं है ही ये ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾ ਲਓ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਹਦੇ ਜਾਓ ਚਲੋ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਰਚੀ ਹੈ बेअदबी दा बहबल कलां दा कोटकपुरे दा जिहड़ी आ सारे इंटरलिंक्ड ने ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਏ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਠੀਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਡ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ सवाल कर लो बाट साहब ओदू जवाब दे दियो बाट साहब मैनू हुण जिहड़ी इह समझ आ रही है सर हो सकता मैनू गलत समझ आया होवे मैनू थोड़ा जिहा समझा दो सर जिहड़ा SDM का जिक्र किया जा रहा है SDM के बयान पहला रिकॉर्ड होने चाहिए है मैं यह समझ आ रहा है कि अफसर अखीर च फसन गए सियासतदान बच जाएंगे बाट साहब
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ ਹੂਐਵਰ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਦੇਅਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਆਫਿਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਿਟਨ ਮੰਗਣਾ ਵਾ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੇ ਲਿਖੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੀ ਲਿਖੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਯੂਜ਼ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੜ ਹੈ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2015 ਦੀ ਅਕਰੰਸ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2021 ਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆ 5% ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ 10% ਮਾਈਨਸ ਵੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਬੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਫਰੀ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਰੂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਐਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੇਸ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ 100 ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਫਿਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਸ਼ਵੀ ਸਿੰਘ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਆ ਬੈਬਰ ਕਲਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਏ ਆ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ